बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए केबीसी का खेल चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने के बाद स्टार प्रचारकों ने मैदान संभाल लिया है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की वजह से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की स्थिति बनी है। कांग्रेस में चुनाव से पहले अपना नेता चुनने का साहस ही नहीं है। यहां बिना दूल्हे की बारात है। कांग्रेस में केबीसी जैसा कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। जब भी चुनाव होते हैं तो हम अपने लीडर की घोषणा करते हैं, हमारा कौन चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन यह साहस कांग्रेस पार्टी नहीं जुटा पा रही है। और इसे मैं कहूं दूसरे भाषा में, इन्होंने बारात तो निकाल दी है लेकिन दूल्हे का पता नहीं है, कोई सेनापति ही नहीं है। मध्य प्रदेश के हर कोने से कोई ना कोई कांग्रेस का नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी ताल ठोंक रहा है। और आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा। मैं तो मानता हूं कि उसी केबीसी की तर्ज पर ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री का यह खेल इस समय मध्य प्रदेश में चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। 13 सालों में शिवराज सरकार ने बेहतर काम किया है। शिवराज ने जो भी जनता से वादे किए, संवेदनशीलता और गंभीरता से उन वादों को पूरा करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता पहले इस घोषणा पत्र को देखे, फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। श्री शिवराज सिंह जी चौहान के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अपने 13 वर्षों के कार्यकाल में जन सामान्य में उन्होंने अपनी साख और अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने में, मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विश्वास के संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। जो कुछ भी जनता के साथ वादे किए, पूरी विनम्रता, पूरी शालीनता और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन वादों को पूरा करने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हमारे देश की राजनीति में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है उसके लिए मूलतः कांग्रेस ही जिम्मेदार है, तो मैं मानता ही हूं। देखो, उन्होंने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मैं मध्य प्रदेश की जनता को भी कहना चाहूंगा कि इनके पहले के भी चुनावी घोषणा पत्रों को देखें तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे। घोषणा पत्रों में बहुत सारी बातें की जाती रही हैं, इनके द्वारा बहुत सारे आश्वासन दिए जाते रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से भी इन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने प्रदेश दौरे के दौरान खूब बेबाकी दिखाई और मुद्दों पर सूझबूझ से जवाब भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।